खरगोन जिले के बीकन गांव के एक निजी फाइनेंस बैंक में शुक्रवार को दिन दहाड़े दो नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन बैंक कर्मियों के हौसले के आगे बदमाशों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। बैंक कर्मियों ने हिम्मत दिखाकर एक बदमाश को पकड़ लिया। वहीं कट्टी में कारतूस लोड नहीं होने पर एक बदमाश मौके से भाग निकला। बैंक कर्मियों ने एक बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं घटना की तत्काल सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दूसरे फरार बदमाश एक घंटे के बाद भी नहीं पकड़ पाए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एसपी धर्मवीर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार बीकन गांव में खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस स्टैंड के पास फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस कम बैंक में दो नकाबपोश बाइक सवार बदमाश अचानक आए, फाइनेंस बैंक के नीचे अपनी बाइक खड़ी की और बैंक के सीढ़ियों पर चढ़े। यहां फाइनेंस बैंक में तीन कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। बैंक कर्मियों के अनुसार बैंक में घुसे और बदमाश ने अचानक कट्टा निकाल दिया। इसमें एक नकाब पहना था और दूसरे ने मास्क लगाया था। दोनों बाइक से बीकन गांव पहुंचे थे। आरोपियों ने बैंक कर्मियों को एक लाइन से खड़ा कर दिया और कहा कि बैंक के लॉकर की चाबी दो। कर्मचारियों ने हिम्मत जुटाते हुए सुदीप गंग राडे नामक युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा साथी संदीप फरार हो गया है। बीकन गांव बस स्टैंड पर एक फिनकेयर बैंक है। आज सुबह लगभग 9:30 बजे जब बैंक ओपन हुई तो उसमें दो युवक संदिग्ध स्थिति में बैंक के अंदर प्रवेश किए। उनमें से एक युवक जो था बुरखा पहने हुए था, दूसरे युवक पे वेपन्स बताए जाते हैं। उन्होंने बैंक के जो एम्प्लॉई थे उनको ओवरपावर करने की कोशिश की। इसी दौरान बैंक का एक कर्मचारी जो बाहर था वो अलर्ट हुआ और उसके प्रयास से एक आरोपी को बैंक के कर्मचारियों के द्वारा ही अपने कब्जे में कर लिया गया। ये जो व्यक्ति है संदीप गंगराड़े है, मूल रूप से बीकन गांव का ही रहने वाला है और ये इंदौर में रहता था। पुलिस ने पहुंच के इससे प्राइमरी पूछताछ की है। तो इनके जो दूसरा साथी है संदीप रीवा का रहने वाला है संभवतः, ये दोनों कुछ प्लानिंग के तहत बैंक में लूट करने की योजना के तहत प्रवेश किए थे। क्योंकि बैंक कर्मचारी अलर्ट थे और बैंक के जो बाहर कर्मचारी थे उन्होंने काफ़ी सावधानी से बाहर सूचना दी और उसको ओवरपावर कर लिया, इसलिए लूट तो नहीं हो पाई है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति इंदौर में इंदौर से रोड से मोटरसाइकिल से चल के बीकन गांव तक आए थे और बुरखा पहन के और मास्क पहन के बैंक में प्रवेश किया। बैंक के जो कर्मचारी उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उनके पास कोई वेपन्स भी थे, तो अभी इनको हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। दूसरा जो आरोपी वहाँ से बच के निकल गया उसकी गिरफ्तारी प्रयास कर रहे हैं। ये फिनकेयर बैंक में जो प्रेमाफेशिया लगता है लूट करने का प्रयास है, इसमें बैंक के जो एम्प्लॉयज है प्रबंधन है उसने काफ़ी कुशलता और सावधानी से काम किया जिसके कारण ये आरोपी पकड़ा गया है। इससे पूछताछ करके पूरी घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी रिसेंट अभी तत्काल ही पकड़ा गया है, पूछताछ कर रहे हैं, इसके जो डिटेल दिए हैं वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इतना बताया इन्होंने कि सुबह ही इंदौर से चले थे और जो इनकी प्लानिंग थी वो बैंक में लूट करने की थी, इसी प्रकार ये प्रवेश किए थे। कोई कर्मचारी इसमें सर घायल भी हुआ है, बाइक भी जब्त हुई? अभी कोई घायल तो नहीं हुआ है, लेकिन कर्मचारियों ने जब पकड़ने में झंझट हुई होगी तो उसमें हो सकता है चोट आई हो। पुलिस मौके पर है, इसे पूछताछ कर रहे हैं कि किस प्रकार के ये लोग हैं और क्या प्लानिंग करके आए थे। खरगोन से ब्यूरो चीफ सलाम अंसारी की रिपोर्ट।